पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यह एक सफल भाव प्रधान और यथार्थवादी आदर्श कहानी है। इसका मूल उद्देश्य है व्यक्तिगत प्रेम तथा राष्ट्र प्रेम की मर्यादा का निर्वाह। प्रस्तुत कहानी का केंद्र बिंदु है कहानी की नायिका मधुलिका और उसी के चारित्रिक आदर्श को विशेष रूप से उभारने के लिए एक सुंदर कथानक की रचना की गई है। कहानी कला की दृष्टि से विचार करने पर इस कहानी के विभिन्न तत्व देख सकते हैं। सबसे पहले हम कहानी का सारांश देखते हैं। कथा वस्तु की दृष्टि से पुरस्कार कहानी का कथानक ऐतिहासिक तथा काल्पनिक धरातल पर बनाया गया है, पर ऐतिहासिक आधार पर स्पष्ट नहीं है। कहानीकार ने कौशल नरेश का नाम कहानी में नहीं लिया है। मधुलिका कौशल राज के अन्यतम योद्धा सिंहमित्र की एकमात्र बेटी है। कौशल के राष्ट्रीय नियम तथा परंपरा अनुसार इंद्र पूजन के उत्सव के समय कृषि महोत्सव के अवसर पर उसकी उपजाऊ भूमि ले ली जाती है। राजकीय अनुग्रह को वह स्वीकार नहीं करती क्योंकि वह भूमि उसके पूर्वजों की है जिसे बेचने का अधिकार उसे नहीं है। कौशल के इस उत्सव को देखने के लिए मगध का राजकुमार अरुण भी आया हुआ था और वह मधुलिका के भोले सौंदर्य तथा सरल चितवन पर मुग्ध हो जाता है और उसके सामने प्रेम निवेदन करता है जिसे वह ठुकरा देती है। इस घटना के 3 साल के बाद मगध का विद्रोही तथा निर्वासित राजकुमार अरुण मधुलिका की झोपड़ी में आश्रय लेता है। भोली भाली मधुलिका अरुण के प्रेम में दीवानी हो जाती है और अरुण द्वारा कौशल के दुर्ग पर आक्रमण करने का अधिकार प्राप्त करने की योजना में सहयोग करती है, पर अंत में मधुलिका की राष्ट्रप्रेमी आत्मा विद्रोह कर देती है। राष्ट्रप्रेम तथा व्यक्तिगत प्रेम के मध्य मन ही मन युद्ध छिड़ जाता है तथा राष्ट्रप्रेम की भावना से ओतप्रोत मधुलिका अपने प्रेमी अरुण को बंदी बनवा देती है। जब अरुण को प्राण दंड दिया जाता है और उसे पुरस्कार मांगने के लिए कहा जाता है तो वह जल्दी से मगध राजकुमार अरुण के पास जाकर खड़ी हो जाती है और पुरस्कार के रूप में अपने भी प्राण दंड का उपहार मांगती है। प्रेम और कर्तव्य का यह युद्ध मधुलिका के चरित्र का प्राण है। जिस प्रकार कहानी की शुरुआत भव्य और प्रभावशाली है उसी प्रकार उसका अंत भी बहुत महत्वपूर्ण, कलापूर्ण, नाटकीय एवं उत्तेजना देने वाला है। इसके आरंभ, उत्कर्ष और अंत तीनों में एक सूत्रता है। कहानी का समापन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर हुआ है। इस स्थान पर पहुंचकर कहानी अपनी संवेदनशीलता और प्रभावोत्पादकता का पूर्ण परिचय देती है। तो हम देखते हैं कि इसमें मधुलिका के चरित्र को बहुत ऊंचा उठाया गया है और साथ ही साथ देश प्रेम की भावना को प्रबल किया गया है। आगे हम देखते हैं कि पुरस्कार कहानी की शीर्षक की सार्थकता, ऐसा भी प्रश्न आपको आता है। यहाँ पर संक्षिप्त रूप में मैं बताऊंगी कि यह उत्तर किस प्रकार लिखना होगा, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है कि शीर्षक की दृष्टि से पुरस्कार कहानी का जो नामकरण हुआ कथा की मूल संवेदना को उभारने में पूरी तरह सक्षम है। यह शीर्षक घटना चक्र से संबंधित लघु, संक्षिप्त, आकर्षक, नवीन, मौलिक, भावोत्तेजक, कौतूहलवर्धक और पूरी रोचकता से परिपूर्ण है। कहानी के प्रति पाठकों में उत्सुकता, आकर्षण आदि भावों को जागृत करने में एक शीर्षक पूरी तरह सफल है। पुरस्कार शीर्षक से ही कुतूहल और जिज्ञासा का आरंभ होता है जो अंत तक बना रहता है। सच पूछा जाए तो पुरस्कार कहानी का शीर्षक भावना और कथ्य दोनों के अनुरूप है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो पुरस्कार की बात आती है। पहले पुरस्कार जब मधुलिका को राजा के द्वारा, कौशल नरेश के द्वारा दिया जाता है उसकी भूमि के एवज में, तो वह पुरस्कार ठुकरा देती है और वह यह कहती है कि यह पुरस्कार नहीं, मेरी जमीन की कीमत है और मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। और वह एक प्रजा होकर भी दान में मिली हुई या उसकी जमीन के एवज में मिले हुए
उसका मूल्य वह राजा के ऊपर ही न्यौछावर करके लुटा देती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह शीर्षक की सार्थकता यहाँ पर भी सिद्ध होती है कि इस कहानी की जो नायिका है उसका चरित्र इतना मजबूत है, इतना सशक्त है कि वह राजा के आगे भी अपनी बात को रखने का साहस करती है और उसके बदले में वह गरीबी स्वीकार करती है, न कि वह अपनी दादा परदादाओं की भूमि को बेचकर उस पर अपना सुखमय जीवन बिताती है। और दूसरा पुरस्कार शीर्षक की सार्थकता हम दूसरी बार यहाँ देखते हैं जब वह अंत में उसके देशद्रोही प्रेमी को सजा दिलवाती है और उसके बदले में मिलने वाले पुरस्कार के लिए वह स्वयं अपने प्राण देने को तैयार होती है, न कि वह राजा से उसके प्राण की रक्षा मांगती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह पुरस्कार शीर्षक जो है कहानी के लिए बहुत उचित शीर्षक है, उत्तम शीर्षक है और कहानी की सार्थकता और दृश्यों और घटनाओं को पूरी तरह सार्थक करता है। सारांश पूरा हुआ, अब हम विशेषता देखते हैं। विशेषता में इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि चरित्र चित्रण की दृष्टि से पुरस्कार कहानी के सभी पात्र आदर्श हैं, पर मधुलिका जो कहानी की प्रमुख नायिका है उसका चरित्र विशेष है और वह सर्वोपरि मानी गई है और लेखक ने उसका चित्रांकन मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर किया है। उसका चरित्र सामान्य भारतीय नारी से भिन्न न होकर भी अनेक कारणों से वह अलग है। वह जितनी भोली, सरल, सुंदर, मधुर और आकर्षक है, लेकिन समय आने पर उतनी ही कठोर, चतुर और साहसी भी बन जाती है। यद्यपि नारी हृदय की कमजोरियां भी लेखक ने उसमें डाली है और आत्माभिमान और कुलशील की रक्षा के लिए वह कठिन से कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करती है। वह मधुलिका के जीवन का प्रकाश है, उसका दिव्य पुरस्कार है। कौशल नरेश एक योग्य शासक है। इस प्रकार कहानी की हर पात्र और हर घटना हमारे आसपास की ही लगती है, काल्पनिक होकर भी उसमें कहीं सच्चाई दिखती है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि देशकाल और वातावरण का प्रभाव भी यहाँ पर पड़ता है कि उदाहरण के लिए कहानी के शुरू का परिवेश हम देखते हैं कि आद्रा नक्षत्र आकाश में काले काले बादलों की घूमर जिसमें देवदुदुम्बी का गंभीर घोष है। अर्थात यह आज हम देखते हैं कि यह उस समय काल में इन सब बातों को हम अधिक महत्व देते थे, लेकिन वर्तमान समय में यह हमारे लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए या जो प्रस्तुत पीढ़ी है उनके लिए समझाने वाला विषय और शब्द बन गए हैं। और आगे हम देखते हैं कि ये कहानी की भाषा शैली जो है तत्सम शब्दों को उपयोग किया गया है और ओज और माधुरी गुणों का विशेष समावेश है और प्रसंग के अनुसार राजमहलों के गुण भी दर्शित हो जाते हैं। कहानी के वातावरण तथा उसकी संवेदना के अनुसार भाषा का समुचित प्रयोग मिलता है। और अंत में हम देखेंगे कि कहानी का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की दृष्टि से पुरस्कार कहानी आदर्श प्रधान कहानी है। भावना की अपेक्षा कर्तव्य को महत्व दिया गया है। यही आदर्श इस कहानी का आधार है। इसमें देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों के प्रतिद्वंदी के रूप में सम्मुख होते हैं तथा एक दूसरे पर हावी व्यक्तिगत प्रेम को भी अपना गौरव तथा महत्व प्राप्त होता है, पर कालांतर में व्यक्तिगत प्रेम को भी अपना गौरव महत्व प्राप्त होता है। कहानी की नायिका मधुलिका ने देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों का सुंदर निर्वाह करते हुए समान रूप से महत्व दिया है। इन दोनों का पालन करके विशेष आदर्श का परिचय देती है। यही कहानी का महत्व उद्देश्य है। और प्रसाद जी ने इस कहानी में करुणा, सत्य और उत्सर्ग आदि आदर्शों को उपस्थित किया है।